माँ कहती है थकी लो, बेटी कहती है डाइट प्लान लो, अब माँ की बात माने या बेटी की बात माने? जनाब राशिदा मलिक की तो बेटी खुद भी उनकी बात नहीं मानती, तो फिर हम कैसे इनकी बात माने? एक दिन में दर्जनों के हिसाब से जनाब हमें प्रोडक्ट रिकमेंड किए जाते हैं, सजेस्ट किए जाते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट इनके अपने घर में नजर नहीं आते, बल्कि उसके उल्टे रिजल्ट इनके घरों में नजर आते हैं। जनाब मेरा रिएक्शन जेन्युइन होता है, मैं राशिदा मलिक की तरह झूठ नहीं बोलती। मैंने कहा था ना पिछले व्लॉग में कि राशिदा मलिक के आप घर में सूटों के PR आना शुरू हो जाएंगे, ये टैक्टिक होता है इन्फ्लुएंसर्स का। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जनाब माँ कहती है थकी लो, बेटी कहती है डाइट प्लान लो। कुछ अर्सा पहले मैंने मलाइका बशीर की देखी रील देखी, जिसमें जनाब एक डाइटिशियन की प्रमोशन कर रही होती हैं और कह रही है मैं अच्छा, मुझे ना एतराज ही नहीं है कि ये प्रमोशन ना करें, मुझे इनकी झूठ पे एतराज है कि झूठ बोलकर प्रमोशन करती हैं, और वही जो माँ काम कर रही है वही बेटियां भी कर रही हैं। अच्छा इनका मसला पता क्या है, ये प्रमोशन करती है ना, अब बाकी इन्फ्लुएंसर्स भी कर रही है। मीशो का आप देखें ना कि वो आपके ऊपर छोड़ती है कि आप करें या ना करें, ये नहीं कहती कि मैं इसको इस्तेमाल मैंने किया है किया है कुछ में, वो कह रही होती है। दूसरा मरियम परवेज भी आप लोगों के ऊपर छोड़ती है, कभी अभी उसकी भी यही स्टाइल आना शुरू हो गया उसके अंदर कि वो लोगों को ये बता रही होती है कि मैंने इसको इस्तेमाल किया है, लेकिन समटाइम्स उसके मोस्टली जो होते हैं मतलब रिव्यूज जो होते हैं वो हमारे ऊपर छोड़ती है कि आपने इस्तेमाल करना है या नहीं करें, आप देख लें, मैं इसको चेक करूंगी तो फिर आपको रिव्यू दूंगी। कम से कम कुछ अपना जेन्युइनपन सामने लाती है अपने ऑडियंस को मुतमईन करने के लिए, लेकिन ये लगता है वक्ती काम करने के लिए आई हैं इस पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। जितना हमने लूटना है ना लूट के एक ही दफा सफाया करके जाए, तो ये जो हरकतें होती है ना ये लॉन्ग टर्म आपकी नहीं चलती, ये आप इमेज खराब करती है। आपने हमेशा जेन्युइन रहना पड़ता है, ठीक है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आप लोगों ने वो करनी पड़ती है तारीफ, तो वो भी थोड़ा सा संभल के। हमें समझ आ जाती है, जब मुझे समझ आ जाती है तो मुझ जैसे हर एक बंदे को समझ आ सकती है कि ये जेन्युइन रिव्यू नहीं है। अच्छा भाई बेटी कह रही है मैंने यही वाला किया तो मैं बड़ा अच्छा डाइट प्लान है तो आप इससे डाइटिशियन से लें। अब जब वो बेटी घर आती है तो माँ ने जनाब थकी की एक बोतल उठाई होती है और कह रही है ये सब ले सकते हैं। अच्छा जिस बंदी की ने डिलीवरी हो गई है ना वो तो ले ही ले अपने वजन कम करने के लिए। अच्छा ये नहीं पता कि वो बंदी प्रीक्लेम्शिया से गुजर के आई हो, उसका बीपी का कोई मसला हो, जो इस तरह की डिलीवरी मतलब सी सेक्शन होते हैं किसी कंडीशन के ऊपर, और वो उसको बचना होता है कि मेरा बीपी हाई ना हो, मैं ऐसी कोई उसको चीज नहीं दी जाती कि जिससे उसका ट्रिगर कर जाए ऐसा कुछ, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। लेकिन ये बंदी कह रही है सी सेक्शन के फौरन बाद ये फक्की के फक्के मारना शुरू कर दो हैं, मतलब आपको पता है कि उसका सी सेक्शन किस बेस के ऊपर हुआ है, क्या कंडीशन ऐसी हुई है? तो ये जनाब अब हकीम भी बन गई है, मैं कहती हूँ ना ये हकीम भी बन गई है, हिकमत भी इन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया, पहले तो डर्मेटोलॉजी का इन्होंने लिया हुआ है, और मैं उन पागल अवाम के ऊपर हैरान हूं जो इनसे पूछते हैं कि जनाब हम अपनी एक्नी का क्या करें, हम अपनी छाइयों का क्या करें, अपने हलकों का क्या करें। मुझे तो उन लोगों पर हैरानगी है कि वो कितने पीछे हैं, वो कितने पीछे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी बैठे हैं और फिर भी इनसे स्किन के प्रॉब्लम डिस्कस करें और पूछ रहे हैं। अच्छा फिर जनाब राशिदा मलिक जो कहती है, राशिदा मलिक का पहले पुराना स्टाइल ये था कि मैंने ये यूज किया है, मैंने पहले वो अपने ऊपर ना जैसे हमारी बायोलॉजी लैब में मेंढक और काकरोच नहीं होते जिनके ऊपर हर हमने तजर्बा करना होता है, इसी तरह ये वही चीज बनी हुई है कि मैंने हर चीज का तजर्बा किया हुआ है, मेरे ऊपर हर चीज मैंने अप्लाई किया तो उसके मुझे 100% रिजल्ट्स मिले हैं। तो अब इनके ये वाला जो स्टाइल था ना इसको तो हमने पकड़ लिया, अब दूसरा स्टाइल है मेरी जानने वाली। अब जो मेरी जानने वाली है ना उसका कोई मेरे ख्याल में वजूद ही नहीं है, वो मेरी जानने वाली पत्नी कौन सी दुनिया में रहती है कोई समझ नहीं है, वो जानने वाली मिली कब है जब तुम पूरा दिन इंस्टाग्राम के ऊपर 24 घंटे बैठी होती हो, तो वो जानने वाली तुम्हें किधर से मिल गई है? मतलब बड़ी हंसी आती है मुझे इसकी स्टोरी देख के, मतलब दिन अच्छा गुजर जाता है, हंसने का मौका मिल जाता है, लेकिन अफसोस उन लोगों पे होता है जो इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अच्छा फिर कहती है फकी लो, अब मुझे ये बताएं एक घर में दो बंदे डिफरेंट चीजों की डिफरेंट डायरेक्शंस बता रहे हैं, एक हिकमत बता रही है एक एडवांस न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन जो है रिकमेंड कर रही है, अब मुझे ये बताएं माँ के ऊपर यकीन करना चाहिए या बेटी के ऊपर? अच्छा बेटी को खुद भी माँ के ऊपर यकीन है, स्टोरी के अंदर कहती है मलाइका मुझे ना छेड़ रही है, ऐसे में मलाइका को पता है ना माँ कैसे मतलब उस स्मार्ट वे में झूठ बोल रही है, मतलब वो इसलिए छेड़ रही थी राशिदा मलिक को। अच्छा खैर ये जो चीज़ है ना ये बहुत गलत है, ये आपको लॉन्ग टर्म नहीं जाने देगी, ये बड़ी शॉर्ट टर्म में है, और मैं आपको अपने मेरा भी चैनल छोटा है, मैं इस वजह से आप लोगों को कह रही हूँ कि भाई इन चीज़ों से बाज आ जाएं, अपनी ऑडियंस के साथ थोड़ा सा सिंसेयर हो जाएं। अभी मेरा चैनल छोटा है, जिस दिन मेरा चैनल हुआ ऊपर चला गया तो उस दिन ये चीज़ बहुत आगे तक ये आवाज़ मेरी पहुंचेगी, तो उससे पहले पहले आप अपने आप को करेक्ट कर लें, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे इतना आगे नहीं जाने देंगी, कोई आपके बहुत कम अरसे तक लोग आपके ट्रस्ट करेंगे और आगे चीजें भी चेंज होंगी, आगे ब्रांड भी उसी बंदे को ही अप्रोच करेंगे जिसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट होगा, जैसे इलेक्शन के दिनों में एक बंदा पॉलिटिशियंस को लोग वोट देते हैं ना उस तरह का ही वो होगा। अच्छा खैर वो तो आगे फ्यूचर की बातें हैं। जनाब आपको याद होगा मलाइका बशीर जब कनाडा में गई थी ना FW ऑर्गेनिक स्किन केयर भी लेके गई थी और स्पेशली एक्ने की लेके गई और आप सब लोगों को कहा ये वाली लगाएं लगाएं लगाएं, और माँ भी स्किन केयर का जो एक्ने सीरम है वो तो सबको रिकमेंड कर रही होती है, हाईली रिकमेंड कर रही होती है, अब घर में वो चीज क्यों नजर नहीं आती? अब मरियम परवेज जो है
उनकी एक बात थी कि वो कहती है मैंने वजन इसलिए कम किया है कि जब आप वजन कम करने के लिए किसी को बता रहे होगे ना, तो सबसे पहले वो लोग आपके अंदर वो चीज देखेंगे। जब वो हमारे अंदर वो चीज नहीं होगी, हमारी स्किन अच्छी नहीं होगी, तो हम किसी को स्किन के प्रोडक्ट्स कैसे रिकमेंड या सजेस्ट कर सकते हैं। तो वही मैं किसी की शक्ल पर बात नहीं करी, बहुत प्यारी बच्चियां हैं, बहुत क्यूट हैं, अल्लाह ताला ने सबको खूबसूरत बनाया हुआ है, लेकिन मैं स्किन की बात करी हूं। और स्किन का बेड़ा गर्क जो है ना, हम लोग खुद ही करते हैं। तो ये जो ये दर्जनों के हिसाब से आपको केमिकल्स लगवा रही होती हैं, ये केमिकल आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं। और जो रिजल्ट हमें नजर आए, राशिदा मलिक जो रिजल्ट हमें बता रही होती हैं, उस उन रिजल्ट्स के ऑपोजिट रिजल्ट हमें मतलब अरुषा और मलाइका की स्किन के ऊपर देखने को मिले हैं। मतलब दोनों की स्किन टोटली, अब ये तो अभी ग्रोइंग एज है, उसमें ये बच्चियों के साथ हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं, उस वजह से भी होते हैं, लेकिन यही चीज है ना, यही मैं राशिदा को बताने लगी हूं कि हर एक्ने जो है वो स्किन का प्रॉब्लम नहीं होता, आपका इंटरनल कोई मेडिकल इशू भी चल रहा होता है जिसकी वजह से बच्चियों को दाने होते हैं और आप ऐसे धड़ोधड़ रिकमेंड करती जा रही होती हैं। जिस तरह आप अपनी बच्चियों के बारे में सोचते हैं ना, उसी तरह आप दूसरी बच्चों के बारे में भी सोचें। इसी तरह छाई का मसला स्किन का नहीं हो सकता, हो सकता है हो सकता है कि वो कोई आयरन डिफिशियंसी उसका हो, कोई और हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो, कोई और इशू हो, आपको क्या पता। और आप तो ऊपर लगाने वाली चीजें ही बताती रहती हैं, तो अब आप एक्ने की तो कोई चीज ना हमें ना बताएं, क्योंकि उसकी कंडीशन आप खुद भी इस चीज को समझ सकती हैं कि आपकी बच्चियों की अभी ग्रोइंग एज है, उसमें टीन एज में है, उसमें बच्चियों के हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, उसमें उनकी स्किन प्रॉब्लम ऐसे चलते रहते हैं, ये इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं। और देखें जनाब, मेरा रिएक्शन हमेशा जेन्युइन होता है, 100% होता है। पिछले ब्लॉग में आपको कहा था ना, ये ब्लॉगर्स की टैक्टिक होते हैं कि हमारे पास ये चीज नहीं है, मलाइका की सूट नहीं है। अब उनकी स्टोरीज देखें, हर स्टोरी में मलाइका को ना एक सूट भेजा है किसी ने, पीआर में ढेरों सूट, और सफायर ने भी भेज दिया। और राशिदा मलिक हमें धोखा देने के लिए कहती है ये मैंने ना सेल से लिए थे जो पिछले दिनों लगी है। नहीं, पिछले दिनों सेल लगी थी तो आपने पिछले दिनों में हमें ये क्यों नहीं दिखाई। और आपके ये कहने के बाद सफायर ने आपको इतने सारे सूट भेजे, तो अल्लाह ताला आपको नसीब करे, लेकिन हमने तो जो ऑब्जर्व किया वो आपको बता दिया और आपके व्यूअर्स को, अपने व्यूअर्स को बता दिया। ये मेरी थी ऑब्जर्वेशन, और एक ऑब्जर्वेशन तो मेरी 100% ट्रू हुई साबित। और जनाब, ये 1.5 साल पुराने एक व्लॉग मैंने शूट किया था, और मैं अपने मतलब सर्दियां थी और काफी दिनों के बाद धूप निकली थी, तो मैं सारी चीजों को धूप लगवा रही थी। और जनाब, इसी के साथ चलते हैं, इजाजत चाहती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ मिलते हैं। तो खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।